नमस्कार दोस्तों, सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ। मंडे टॉक टू विथ एमबीए बीके सिंह। आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय हेरेस्ट फ्रेंड। सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में, और ये जो एपिसोड है दोस्तों, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया, हर शुक्रवार शनिवार रविवार एक दिन आता है, और ये आपको लंबा वीडियो होगा। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो बाद में देखिए, रात में देखिए, अस्थिर से देखिए दोस्तों। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक को जो सोमवार को खुलते ही हमारे रडार पे रहेंगे, और क्यों रहेंगे आप भी देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाटा एलेक्सी। ये टाटा एलेक्सी जो बॉम्बे स्टॉक, आपको थोड़ा सा बड़ा कर दे, ये टाटा एलेक्सी लिमिटेड, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी में कोड है 500408, ठीक है। और आज की प्राइस है 6258 रुपया, जबकि एक टाइम में 10400 से ऊपर गया था, और वहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए थे हम लोग। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ, ये स्टॉक जो है कितना पुराना स्टॉक एक्सचेंज में, जब ये स्टॉक एक्सचेंज भी अभी नहीं था, नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, और ये मैनुअल होता था स्टॉक मार्केट में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस कंपनी के बाद स्थापित हुआ। तो चलिए इसकी पहले हम कुंडली बता दें आपको, आपको समझने में अच्छा लगा कि हमारे सोमवार को रडार रहेगा। 58,771% का प्रॉफिट दिया है अभी तक। ये स्टॉक जब मार्केट में था ये कंपनी का, तो 10.63 रुपये का ये स्टॉक था 1996 में, 5 अप्रैल 1996। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ये 27 साल पुराना ये स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, देख लीजिए बॉम्बे स्टॉक BOM 500408 इसका कोड है। अब ये करेगा क्या दोस्तों, हम आपको बता दें ताकि आपको सुविधा रहेगा कि ऐसे स्टॉक को क्या करना चाहिए। तो चलते हैं 5 साल पहले, सिर्फ 5 साल का लेंगे दोस्तों, और ये समझना एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आ जाइए, अब आपको मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। ये है आपको, थोड़ा अपना फ़ोटो नीचे कर दें, ठीक है, आ जाइए। यह है 6503 का लक्ष्मण रेखा, इसको बोलते हैं दोस्तों। 6503 रुपया का ये दिख रहा है ना, 6500, ये 6500 जो आपको दिख रहा है ये इसका लक्ष्मण रेखा है दोस्तों। अगर यहाँ 6503 रुपया से 6505, 6507, 6508 जब तक नहीं क्लोज होता है जिस दिन, उसके ऊपर और अभी खरीदारी करने की कोई भी ऐसा एनालिसिस्ट होगा, कोई भी आपको स्ट्रेटेजी अपनाने वाला, और चार्ट हो, कैंडल चार्ट हो, चाहे मंथली वीकली सालाना 5 साल 10 साल पुराना कोई भी चार्ट हो, एक ही चीज़ हमारे समझ में आता था, साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन ये लक्ष्मण रेखा है 6503। जब तक नहीं आता दोस्तों, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, और जैसे ये 6505, 6507 पे क्लोज हुआ तो समझ लीजिए जाएगा ये कितना तक, ये भी हम आपको बता दें। ये जाएगा आपको 10,200 तक, ये भी जान लीजिए 10,000 से फिर पार जाएगा, और 10,000 से पार जाने से पहले ही हमें जहाँ तक 99% है
ये स्टोर स्प्लिट हो जाएगा, भाग में टूट जाएगा दोस्तों। जैसे सूर्य से कई उपग्रह निकले, धरती निकली और कौन कौन नेपच्यून निकला, एक और अभी सूर्य से निकला हुआ पिंड है, उसी तरह स्प्लिट मतलब कि टुकड़े टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में बच जाए, 5 टुकड़ों में बच जाए, भागों में बच जाए। जिसके पास 100 शेयर रहेगा उसका 1000 शेयर हो जाएगा, जिसके पास 1 शेयर है तो 10 शेयर हो जाएगा, मतलब 10 भागों में। अगर ये 5 भागों में बटा तो 10 शेयर का 50 शेयर हो जाएगा। ये आपको स्प्लिट इसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये स्प्लिट होने की ज़्यादातर चांस है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला स्टॉक है। और इसके बाद आता है हमारे रडार पे, ये रहेगा, आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ और कौन कौन सा स्टॉक रहेगा वो भी हम आपको बता दें। चलिए तो अब कौन सा स्टॉक देखना है वो भी हम आपको ये नीचे ले चलते हैं। और ये हमारे एक रडार पे रहेंगे, ये इनका नाम है आइनोक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। बहुत बढ़िया स्टॉक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका कोड है 543667। ये हमारे रडार पे रहेंगे, प्राइस है 46.87। और इसकी भी कहानी थोड़ा हम देख लें कि ये क्या कर रहे हैं। तो इनका है कहानी कि ये जून में, ये जून में थे कितना 62.30, और ये आए हैं 46.87, 15 रुपये का बेनिफिट दिला रहे हैं। मार्केट कैप इसका है दोस्तों 1370 1.37 थाउजेंड, मतलब लगभग 1370 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, हाई 47.85 रुपये गया था। और इसके बाद हमारे एक रडार पे और स्टॉक है, उसका नाम है आइनोक्स विंड। आइनोक्स विंड का इसका आइनोक्स विंड आइनोक्स विंड ये हमारे एक रडार पे है स्टॉक आइनोक्स विंड, और ये 113 रुपये का स्टॉक है। अगर हम इसकी बात करें पूरी कुंडली की, तो ये आपको एक बढ़िया स्टॉक है, और ये कोरोना में लगभग 26 रुपये का स्टॉक था। और मैं आपको बता दूं, ये फिर आपको 118 के बाद 150 और 150 के बाद 170 रुपये तक जाने के लिए तैयार है दोस्तों। बढ़िया स्टॉक है, और हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि अपने रडार पर रख लीजिए, इंट्राडे वाले, फ्यूचर में बाई वाले और इंट्राडे में कमाई वाले। तो दो स्टॉक हुआ, कौन कौन सा, आइनोक्स विंड, और इसके पहले कौन सा था, टाटा एलेक्सी था, ठीक है, टाटा एलेक्सी। और अब स्टॉक है जो हमारे रडार पे, उसका नाम है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ये इंटरनेशनल स्टॉक है और ये नैस्डैक में लिस्टेड है। अगर आपके पास क्षमता है तो ये $4.73 मात्र है, मतलब कि अगर बात करें तो 8×32 320 रुपये का इंडियन रुपीस से ये स्टॉक है। बढ़िया स्टॉक है, लेकर रखेंगे। इसकी भी कुंडली मैं बता दूं कि ये क्या करने वाला है आने वाले समय में, तो वो भी आप देख लीजिए। ये अपने रडार से ये नीचे की तरफ लगातार जा रहा है, अब ये जाने वाला नहीं है, और ये जल्दी ही $5 देखने को मिल सकता है। तो बढ़िया इंटरनेशनल मार्केट में भी ये, अगर कुछ भी नहीं, ये भाग आजमाना नहीं दोस्तों, ये एनालिसिस है, और इसकी परख जिसको है वही बता सकता है। सोमवार की बात MBA BK सिंह के साथ। चैनल पे आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं की, और बेल आइकन लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए दूसरा बात कि अब किसको देखना है सोमवार को, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अब एक स्टॉक हमारे रडार पे है, उसको ज़रूर मैं बताऊंगा, और उसका नाम है दोस्तों TTK
प्रेस्टीज शेयर। आप सभी दोस्तों को ने देखा होगा कि सुबह से शाम तक क्लोजिंग तक लड़ता रहा और हम आपको 3 बजे सुबह में ही, इसलिए कि हमें सपने नहीं आते दोस्तों, हमारा टारगेट रहता है और टारगेट हमारा 3 दिन से लेके 6 दिन और उसके बाद थोड़ा लंबे शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो 1 महीना से 3 महीना, थोड़ा मीडियम शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो 3 महीना से 6 महीना, दुनिया के कोई ताकत एमबीए बीके सिंह की टारगेट को न तो रोका है और न रोक सकेगा। 2 दिन पहले प्रत्यक्षम किम प्रमाण, ऑलरेडी वीडियो देख लीजिए परसों का, रोक सके तो रोक लो, गिरावट होना तय था और गिरावट हुई। क्यों दोस्तों, हम तो 1 तारीख से कहते आ रहे हैं कि होली से पहले प्रॉफिट बुक करना है। ये भारतीय स्टॉक मार्केट है दोस्तों, और भारतीय स्टॉक मार्केट इमोशन से चलता है, भावना से जरूर चलता है। पर्व त्यौहार में लोगों को स्टॉक मार्केट के जो भी सिस्टम है, पर्व त्यौहार में लोगों को पैसा, रिटेलर को या बड़े इन्वेस्टर को जो पहले से कुछ ना कुछ उनको खर्चे होते हैं, तो आज तक इतिहास है दोस्तों 7-8 सालों में आप देखेंगे जब भी त्यौहार आता है, और इतिहास उठाकर देख लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, कोई भी त्यौहार आने से 10-15 दिन पहले हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, उसके बाद जैसे त्यौहार बीतता है, होली के पहले ही, होली जिस दिन था उस दिन भी बताए थे आपको, परसों भी बताए थे, कल भी बताए थे भैया कि प्रॉफिट बुक कर लेना है और प्रॉफिट बुक करके पैसा रखना है और भारी गिरावट होने वाली है, 17,550 और 40,900 से भी नीचे आ गया। तो MBA बीके सिंह कोई, और हमारा वीडियो कई तरह के आते हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हल्के में नज़र नज़रअंदाज करने वाले और मुझे नौटंकीबाज और कलाकार और एक्टर और क्या क्या ना डायरेक्टर कहने वाले लोग, कौन कौन सा 1 साल पहले क्या क्या ना उपाधि दिए, कौन कौन सा मुझे आर्टिस्ट बनाए, कौन कौन सा अभिनेता बनाए, किस किस का नाम लिए, कौन कौन संत बना दिए, उन सभी को उनकी भावना की हम कद्र करते हैं। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मैं जानता हूं, इसीलिए हम भी आपके साथ लगे रहते हैं दोस्तों। तो अच्छी बात है, तो TTK प्रेस्टीज अभी लेते रहिए दोस्तों, ये 1,000 रुपये के पार जाने वाला है, रडार पर रखिए, ठीक है। आप देखिए, इसके साथ ही साथ मैंने बोला, ये देखिए कैसे गया TTK प्रेस्टीज, गया कैसे है आज, कैसे गया है, देखिए ये देखिए, ये देखिए दिखा दिया कैसे गया है, कितना मज़ा आ रहा है देखने में, कितना मज़ा आ रहा है। धैर्य, डराता है स्टॉक मार्केट दोस्तों, स्टॉक मार्केट डराता है, और जो डर गया समझो मर गया, उसका कहानी ख़त्म स्टॉक मार्केट में, और जो लाया है लुटा कर चला जाएगा, लूटने वाले बैठे हैं गिद्ध की तरह ऊपर, दो ही हैं गिद्ध पूरी दुनिया में, 2 गिद्ध हैं, और 2 गिद्ध को जिसने पहचान लिया दोस्तों, वो 2 गिद्ध कौन कौन है, एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, 2 गिद्ध क्यों नाम रखे, और ये गिद्ध जो 2 गिद्ध हैं, वो दोनों गिद्ध पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट को चलाते हैं दोस्तों, वो कौन कौन है ज़रूर हम एक वीडियो बनाएंगे, और जिसने पहचान लिया कि ये गिद्ध कौन है, और ये गिद्ध जब जैसे उस चोटी ऊपर पहाड़ी से देखते हैं कोई शिकारी आया है, और जिस समय नीचे की तरफ ये गिद्ध आते हैं उसी समय आप भी उसके पीछे पीछे लग जाइए, स्टॉक मार्केट में अरबपति खरबपति बन जाएंगे दोस्तों। ये देख लीजिए गिद्ध तैयार है यहाँ TTK प्रेस्टीज के लिए तैयार है। आप खुद देखिए मैं 3 बजे सुबह में क्यों डाला था, आधी रात को हमें सपने थोड़ी आते हैं, हम 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे 4:30 बजे आज सोए हैं, और आपने देखा होगा एक भी वीडियो नहीं आया, हमारा जो 2 दिन का नुकसान था
हमने उसको भरपाई किया। और हम तो बता देते हैं दोस्तों, कोई नहीं कह सकता कि सर आप बताते नहीं हैं, पहले बताते हैं कि हमें मत कहिएगा कि प्रॉफिट बुक कर लो भैया, कोई भरोसा नहीं है। और प्रॉफिट बुक करने के बाद पैसा जब रहेगा पॉकेट में तो बहुत सारे स्टॉक में बाजार में माल रहेंगे दोस्तों। और माल खरीदारी का जिनको चस्का लग जाता है, कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, यही तो बात है दोस्तों। सब एनालिसिस, सब स्ट्रेटेजी फेल है। बस एक ही चीज़ सीख लीजिए दुनिया में, और इसीलिए हमने शुरू किया दोस्तों 7709073998। आप अपना उसमें भेज दीजिए, हमारा कार्यक्रम शुरू है। अब ये मत उस पर पूछिए कि कब लेना है, कौन सा लेना है, ये हम बताने के लिए नहीं, आपको बेनिफिट करने के लिए। आपको 2026 तक 3 साल में हम क्या देने वाले हैं, हम पे छोड़ दीजिए। कहीं भूल जाइए व्हाट्सएप पे मेरे डालकर, अपना काम करते रहिए आप, हमको अपना काम करते रहने दीजिए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। आई मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन माई हियरेस्ट, प्रिय दोस्तों, आप प्लीज़ कॉल मत कीजिए व्हाट्सएप पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, एक बार जान लीजिए। व्हाट्सएप पे हाई करके छोड़ दीजिए, हमारी मर्जी, हम पर 1% विश्वास है तो छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि हमें कुछ वहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ये स्टॉक मार्केट है दोस्त, हम आधी रात को भी कुछ भी कर सकते हैं जी। तो आप लोगों से नम्र अनुरोध है कि प्लीज़ डोंट व्हाट्सअप कॉल, ओनली हाय हेलो करके भेजते रहिए, हम सभी को देखते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी देखते हैं, इसीलिए तो 3-4 बजे तक जगना पड़ता है, हमारा मिशन चालू है दोस्तों। हो जाने दीजिए कुछ और बड़े बड़े लोगों को, आपसे भी रिक्वेस्ट है व्हाट्सअप पे जुड़ जाइए। आप ये मत और ये भी ना कहिए कि हमको जोड़ लीजिए, अरे हम जोड़ेंगे कि क्या करेंगे, कि तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा करके क्या फ़ायदा है, भारत तोड़ो यात्रा करके क्या फ़ायदा है, विदेशों में जा कर क्या करने से फ़ायदा है और हमारे देश में करने से क्या फ़ायदा है, जानने वाले सभी जानते हैं। और जिसके दिलों में 140 करोड़ लोग बसे हैं, वो कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए कि दुनिया में कुछ लोग अपने लिए नहीं आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं, और वही ईश्वर का प्रतीक होते हैं। चलिए दोस्तों 2026 की तैयारी हम लोग कर लें, और मोदी जी तो 2024 की तैयारी कर ही चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें इफ बट कुछ भी नहीं है, लेकिन और परंतु अंतु परंतु लेकिन इस जो शब्द आता है इफ बट, ये सब कुछ नहीं है। 500 के आसपास 480 सांसद नए लोकसभा में 2024 में जा रहे हैं, और इसीलिए हम 2 महीना से आप लोग का वीडियो कम डाल रहे थे। स्टॉक मार्केट हमारा बहुत बड़े स्थिति में जाने वाला है, और आप लोग से, आप लोग की कृपा से हमारा मकसद भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों लाइक करते रहिए, देश को स्थायित्व, प्रधानमंत्री देश को, राष्ट्र को स्टेबिलिटी, सरकारें चाहिए ताकि उसको एक बार फिर मौका, ज़्यादा इस पहले की अपेक्षा और ज़्यादा सांसद को हम भेजेंगे ताकि उन पे हम दबाव बना सकें, उन पे हम जो चाहें वो करा सकें, और जो चाहे मतलब कोई राष्ट्र के ख़िलाफ़ नहीं, देश के ख़िलाफ़ नहीं, जनता के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि राम राज्य में कोई राजा ना इंसाफी नहीं करता दोस्तों। तो राम राज तो शुरू है दोस्तों, अब कैसे शुरू है, राम राज में चोर उचक्के, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी का नामो निशान मिट जाएगा जी हाँ। और इनको पता चलना चाहिए कि भारत की धरती पे कौन पैदा होता है, राक्षस पैदा होने वाले, उनका नामो निशान मिट जाता है, और इस दुनिया से कभी, दुनिया में कभी उनका नाम भी नहीं लिया जाता दोस्तों जी हाँ। और यही भारत की धरती है जहाँ राम कृष्ण बुद्ध
महावीर, विवेकानंद, दयानंद, कबीर जी, तुलसीदास जी, रहीम दास जी और सूरदास जी जैसे महा मार्गदर्शक पैदा हुए, वहाँ हम भी पैदा हुए। ये दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली हम हैं, आप हैं दोस्तों। चलिए, स्टॉक मार्केट के बहाने बहुत कुछ होता है और यही तो है सोमवार की बात। एमबीए बीके सिंह साथ में एक कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलता है दोस्तों। चलिए आ जाइए। तो ये हो गया आपको टीटीके प्रेस्टीज। इसके साथ ही साथ एक और है प्रेस्टीज, हॉकिंस कुकर। प्रेस्टीज टीटीके प्रेस्टीज क्या है? प्रेस्टीज कुकर और हॉकिंस के जितने भी किचन के उसको क्या बोलते हैं, क्रॉकरी आइटम आते हैं, पूरे देश में फेमस है दोस्तों। प्रेस्टीज और हॉकिंस, ये दोनों स्टोव हमारे रडार पे अचानक आए तो हमने 3 बजे वीडियो भी डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, जो स्टोव टाटा स्टील की बात कर रहे थे, चलिए टाटा स्टील की भी हो जाए। तो टाटा स्टील जो है जितना कमाई करके देना था दे दिया दोस्तों। आपको नहीं विश्वास है, मैं दिखा देता हूँ, आ जाइए देखिए। ये जानते कितना दिया था? ये दिया था आपको 32 रुपये का स्टॉक था और जानते हैं कितना दिया? 150 रुपया गया था, 35 150, 500% का प्रॉफिट दिया था। यहाँ मत देखिए, ये तो स्प्लिट होने के बाद है। यहाँ देखिए 500% का सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में 500%, 1 करोड़ का 5 करोड़ ये बनाया था दोस्तों टाटा स्टील। और इसका मार्केट कैप देखेंगे, 1,31,000 करोड़ का मार्केट कैप है और डिविडेंड भी देना शुरू कर रहा है दोस्तों। तो टाटा स्टील डिविडेंड के साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा, घबराइए नहीं। और एक स्टॉक हमारे रडार पे हमेशा बोलते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, आपने नहीं लिया तो इसको देखते रहे हमारे रडार पे, ये भी स्टॉक है। और क्यों है ये भी हम आपको बता दें। 6 महीना पहले की बात करते हैं तो देखिए, 6 महीना पहले ये कहाँ था? वहीं था जहाँ पे आज है, 270 है, 279 है, ठीक है। अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं तो ये 1 साल पहले था ये 380 रुपये के आसपास, आज है 280 रुपये के आसपास, ठीक है। 100 रुपया कमाई अभी भी बाकी है। दूसरी तरफ मैं आपको बोलूँ, अगर 5 साल पहले की बात करते हैं तो देखिए अब ये कहाँ पे स्टॉक है, ये आपको ये 221 का स्टॉक, और 221 ये कहाँ से जाएगा, 221 ये 165 इसका एक लेवल था और एक लेवल था यहाँ पे ये 228 और फिर एक लेवल है दोस्तों, ये है आपको 251 और 251 के बाद अगर हमको ये 213 और उसके बाद एक है आपको मैं बता दूं 269 और एक है ये 285 के बाद ये हम इस पे अपनी रडार पर रखेंगे। और फिर उसके बाद 213 एक लेवल है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये लेवल अगर यहाँ आता है दोस्तों 213 के बाद अगर ये फिर एक बार 250 के आसपास आता है तो समझ लीजिए कि यहाँ से फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। और ये स्टेट है वेदांता इंडिया लिमिटेड, जी हाँ। और अब आ जाइए एक स्टॉक जो 500 जाने के लिए तैयारी कर चुका है और इसका नाम है ITC FMCG का जबरदस्त इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक, इसका लगभग 482,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसकी प्राइस अर्निंग है 26.38 और डिविडेंड 3.14। इसका मैक्सिमम 394 रुपये टॉप है 1 साल में। अब ये 500 जाने के लिए तैयार है, उसके बाद 1000 भी जा सकता है, कोई भी घबराने वाली कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ये आज के डेट में देखें तो 390 रुपये हाई गया था, 383 रुपये लो गया था, ये बढ़िया स्टॉक है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक है उसको
विप्रो इंडिया नाम है आईटी सेक्टर का, और आईटी सेक्टर का स्टॉक जो है ये आपको इतिहास में ये कितने लोगों को अरबपति खरबपति बना दिया, इसको आपको देखेंगे तो अगर शुरू से देखेंगे तो ज़्यादा नहीं 2725% का प्रॉफिट दिया है आज तक का जी, 2725 का। और देखिए यहाँ पे अब ये स्टॉक जो है इसको कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों, और कोई रोकने वाला नहीं है। ये देखिए ये एक टाइम में ये टावर बनाया, ये 250 का टावर बनाया, और उसके बाद एक बार बनाया ये 720 का टावर बनाया, 250 से 720 500। अब ये समझ लीजिए कि सीधे ये यहाँ से आपको 990 रुपया का प्राइस देखने को मिलेगा 3 साल के बाद। लगातार खरीदते रहिए, लंबे समय के लिए आपने सोचा भी नहीं होगा कितना बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। और एक स्टॉक और है हमारे रडार पे, उसका भी हम चर्चा करेंगे, और उसकी चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि निफ्टी फिफ्टी तैयार हो गया है आपको। ये निफ्टी फिफ्टी है, 16630 रुपया था 11 मार्च को, ठीक है, और 18000 मार्च अप्रैल, तो 10 अप्रैल तक 18000 के पार जाने के लिए तैयार है दोस्तों निफ्टी फिफ्टी। 10 अप्रैल एक महीना के बाद 18000 के पार निफ्टी फिफ्टी जाने के लिए तैयारी कर चुका है। अगर आपको और देखना है तो अपने रडार पर रखिए दोस्तों। एक बात और है, जिसने भी SJVN लिया है उसको मैं बता दूं कि ये अगर प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, लेकिन ये लगभग 42 रुपये के पार 10 रुपया भी इसमें बाकी है। हर गिरावट में खरीदते रहिए, बढ़िया स्टॉक है, डिविडेंड इसका देते रहता है, और डिविडेंड देने के बाद ये एक आपको स्टॉक बढ़िया स्टॉक मिलने वाला दोस्तों। नेक्स्ट पूरे इस वीडियो में आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको सीखने की मिलेगी दोस्तों, और सीखने के लिए ये एक तरह से सिखा भी रहे दोस्तों कैसे देखते हैं बिना कुछ एनालिसिस का, बिना कुछ चार्ट का आप कैसे भी किसी भी स्टॉक को अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, अंदाज़ा और सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देख लीजिए NMDC कितना बढ़िया स्टॉक है, और ये क्या कर रहा है ये देखिए, ये चार्ट से देखिए आप जान लीजिए कि ये करने क्या वाला है। अब ये NMDC जाने वाला है 200 के पार, ये भी हमारे डर पे है। ये मत कहना दोस्तों कि हमने बताया नहीं, और ये 33,570 करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया फंडामेंटली स्टॉक है, प्राइस अर्निंग 6.53 है। अगर ये रडार पे आता है आपको तो ज़रूर इसको आप ले सकते हैं, रख सकते हैं लंबे समय के लिए। जी हाँ, और एक स्टॉक है NLC इंडिया, ये स्टॉक तो हमारे रडार पे बहुत दिनों से आ रहे थे, लेकिन आज विशेष रूप से आ रहे हैं सोमवार की बात MBA BK Singh के साथ में पहली बार आए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ये देखिए कितना ये खतरनाक स्थिति में चल रहा है दोस्तों, और ये खतरनाक स्थिति में जाने के लिए ये अड़सठ सत्तर और 72 के बाद अभी कितना है 72 के बाद दिए। चलिए दोस्तों, तो 110 रुपये की तैयारी कर चुका है ये NLC इंडिया लिमिटेड जी। NMDC की बात हो गई, और अब बात होगी दोस्तों एक और स्टॉक की जो हम आपको बता दें, और उसका नाम है GIC।
GIC लिमिटेड, और ये हमारे रडार पे आज 6 महीने से दोस्तों, 6 महीने से है। अगर मनी कंट्रोल में देखा जाए तो ये क्या कहता है वो भी देख लिया जाए। नहीं आ रहा है किसी कारण से। आ गया, चलिए देख लिया जाए। आ गया तो कभी कभी हो जाता है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दिख रहा है 142। ये मनी कंट्रोल पे आप देख रहे हैं, मनी कंट्रोल क्या बताता है, ये 142.70 रुपया का बंद हुआ आज माइनस में। ये लंबे रेस का घोड़ा है दोस्तों, जितने भी स्टॉक बन रहे हैं ये डिलीवरी में सभी स्टॉक को बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये बता दें आपको, ये देखिए ये चार्ट इसका देखिए, ये क्या खतरनाक स्थिति में आज हुआ है और ये क्या करने वाला वो भी हम आपको बता दें। कुछ प्रॉब्लम आ रही है,